चलो आज सब मिलकर बनाते हैं नूडल्स, लेफ्ट ओवर चपाती नूडल्स। लेफ्ट ओवर चपाती नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, हरा प्याज, कैप्सिकम, चपाती, गाजर, प्याज, शेजवान सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, अदरक, शक्कर, हरी मिर्च, नमक, लहसुन, काली मिर्च का पाउडर और तेल। पहले हम लेंगे 4 से 5 चपाती, उसे अच्छे से रोल करेंगे। अब इसको हम पतला पतला काट लेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारे नूडल्स अब तैयार है। अब हम इसे पकाएंगे। एक नॉनस्टिक पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, उसमें जाएगा बारीक कटा हुआ लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। इसे अच्छे से मिलाकर थोड़ा पकने देंगे। अब इसमें जाएगा स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से पकने के बाद इसमें हम डालेंगे कटा हुआ कैप्सिकम, कटा हुआ गाजर। इसे अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई पत्ता गोभी। आप कोई भी सब्जियां आपके हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से मिलाकर पकने देंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1/2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यदि आपके पास ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो आप इसे ना डालें। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून शक्कर। अब इसमें जाएंगे हमारे चपाती से बने हुए नूडल्स। इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिला लेंगे और लास्ट में हम डालेंगे हरा प्याज और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारे लेफ्ट ओवर चपाती नूडल्स अब सर्व करने के लिए तैयार है।